नमस्कार। आज से लगभग एक साल पहले 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में एक बहुत ही विदारक दुर्घटना घटी थी। हमारे वीर जवानों को धोखे से मार दिया गया था। तो उन्हीं को नमन करते हुए उन घटनाओं को आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। तो सुनिएगा, देखिए, कविता कल्पना होती है। अभिकल्पना के माध्यम से वीर रस के कवि, उनसे मैं माफी मांगते हुए करना चाहूंगा कि कल्पना के माध्यम से वीर रस के कवि उसको महसूस करते हैं और महसूस कराते हैं और बहुत सारी तालियां बटोरते हैं, लेकिन कल्पना और वास्तविकता में, और ऐसी वास्तविकता आप फिर कल्पना करिए, कल्पना की मदद से ही सोचिए कि ऐसी वास्तविकता जहां मौत तांडव कर रही हो, एक चूक जिंदगी और मौत का फैसला कर दे, कई सारे परिवारों को उजाड़ दे, तो उसकी कल्पना शब्दों में हो ही नहीं सकती है। यह कहते हुए मैं आज कविता को शुरू करने जा रहा हूं। सुनिएगा। जब वो सरहदों पर सांसों की शतरंज सजाए बैठे थे, अपने घर वालों की आंसों को दांव पर लगाए बैठे थे, हर हिंदुस्तानी का अभिमान बचाए बैठे थे, भरतवंशियों की आन का जाम लगाए बैठे थे, वह मातृभूमि की खातिर मरघट का उपहास बनाए बैठे थे, भारत माँ पर आंच न आए दधीची अपनी अस्थियां सुलगाए बैठे थे। तब क्या हुआ था? तब सिंहों के काफिले पर भेड़िया छद्म किया था, सिंह गर्जनाओं को धूर्त धमाके में दफन किया था, लाल की छत विछत छाती देख पूरा भारत रो पड़ा था, तिरंगे की पहचान आज तिरंगा ओढ़े सो पड़ा था। जब माँ को लाल के अंतिम दर्स को मोहताज होना पड़ा था, उसके कलेजे का टुकड़ा आज टुकड़ों में बंधा पड़ा था। माटी का कण कण केसरी लहू से लथपथ सना था, वीर सपूतों का बलिदानी रक्त इतना घना था, केवल कुर्बान सपूतों के घर बस दीपक नहीं बुझा था, पूरे भारत कुल का सूरज तव में डूब गया था। हर शहीदों के जनाजे में मानो महाकुंभ उमड़ पड़ा हो, हर शहीदी शहर प्रयागराज बना पड़ा हो। उन्होंने भ्रमवश प्रहरियों पर प्रहार किया था, नहीं, भारत माँ का आंचल छू लिया था, हर गली चौराहे में बस एक ही गूंज उठी थी। सांपों सपोलों को ही नहीं अब सपेरों को कुचलने की ठनी थी। थोड़ा समय बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि अगर किसी से सवाल पूछा जाए भारत में कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी संस्थान है जिस पर कोई भी उंगली उठाना नहीं चाहता है, एकदम दाग रहित है, तो आगे की पंक्तियों में उन्हीं का वर्णन होगा। साथ में मैं माफी मांगते हुए कहना चाहूंगा कि जो लोग नहीं हैं, क्योंकि यहां पे बात है एकदम दाग रहित होने की, एब्सोल्यूट की, सर्वश्रेष्ठ की। तो सुनिएगा। भरतवंशियों से सिरमौर कौन है गर यह पूछो, मंत्री जंत्री संतरी नहीं है बस यह बूझो, हर सैनिक हर घर का राज मुकुट है यह बूझो, जो कोई इन समर सपूतों को हाथ लगा जाता है वह भरतवंशियों की गिरेबान पकड़ सा जाता है, तब बच्चा बच्चा भगत सिंह शेखर अशफाक बन जाता है, भारत के चप्पे चप्पे पे इनकलाब लिख जाता है, वीर शिवाजी की तेज तलवार तड़प सी जाती है, राणा का स्वाभिमानी भाला भड़क सा जाता है, तब हर नारी दुर्गा रणचंडी बन जाती है,
दानवों की मुंडी माला पहन ही चैन पाती है। आगे के भाग में वर्णन है कि शहीदों की चिताएं जल चुकी हैं, उनकी चिता तो ठंडी हो गई है, लेकिन एक चिता सुलग रही थी हर हिंदुस्तानी के दिल में, और उस चिता की आग भारत सरकार को बराबर महसूस हो रही थी। सरकार बराबर उस ताप में तप रही थी, तो सरकार ने भी जनता की धड़कनें सुनी और उसके बाद जो काम किया उन्हीं का वर्णन आगे की कुछ लाइनों में लिखने का प्रयास हुआ है। देख देशवासियों का दम, दिल्ली ने दमखम दिखलाया था, 13वीं से पहले बालाकोट में बम बम करवाया था, धू धू करके उड़े थे नरभक्षी, अब सिंह ने आखेट लगाया था, भारत ने अपनी कूटनीति का विश्व में परचम फहराया था। लेकिन सीमा पार वाले ने फिर अपना असली रंग दिखलाया था, कुछ भी नहीं हुआ कहकर विश्व को भरमाया था। लेकिन बाज ने सांप को पंजे में जकड़ लिया था, विषधर अपनी फितरत से बाज नहीं आ सका था, फाल्कन की गीदड़ भभकी लेकर भारत में आ उड़ा था, तब अभिनंदन ने शौर्य विजयी तिलक किया था। मिराज के शेर ने फाल्कन के हाथी से हाथ मिलाया था, पल भर में मतवाले गज को रज में मार मिलाया था। शेर गया दूसरे जंगल तो क्या, वहां भी राजा कहलाया था, सिंह आ गया यह देखो कहकर पूरे पाक में हाहाकार मचाया था। मौत को मात देकर डर को भी डराया था, रग रग अभिनंदन का सैन्य धर्म निभाया था, शत्रु की धरा पर अभिनंदन अजात शत्रु बन आया था, जिन्ना की जमी पर उसने भारत चरित्र फहराया था, जिन्ना की जमी पर उसने भारत चरित्र फहराया था। जय हिंद।